यहाँ पर टाइगर हमेशा क्रॉस करता है। आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों सामने की तरफ जस्ट रोड किनारे, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जितना गहरा रपटा है। ये देखिए आप, यहाँ से पानी आता दोस्तों और दूसरी साइड जाता है पानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों आम डंडा गेट से। वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटी मिलेंगी रास्ते में, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है, इसको भरपूर प्यार दें। देखिए दोस्तों सामने बोर्ड लगा है टाइगर का, देख सकते हैं सामने, और सामने की तरफ है शिल्पा रेस्टोरेंट, और यहाँ पर दोस्तों तंदूरी कुल्लर चाय और कुल्लर मैगी मिलती है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल फेमस है, आप कभी भी आए यहाँ पर आम डंडा गेट पर तो आप ज़रूर विजिट करें। और चलते हैं हम आगे की तरफ दोस्तों, निकल चुके हैं नए सफ़र में और बन रहे हैं आप हमारे साथ और सफ़र का आनंद लें घर बैठे बैठे। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर जगह जगह आपको कुल्हड़ चाय छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएंगे, और सामने की तरफ है दोस्तों आम डंडा गेट। दोस्तों हमारे पिछले ब्लॉग में आपको यहाँ पर एलिफेंट दिखाई दिया होगा, आप ज़रूर विजिट करें उसमें। और अब तो काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो चुके हैं, यहाँ पर घास हो चुकी है, जस्ट यहाँ पर सामने की तरफ खड़ा था एलिफेंट। ये तक चुके दोस्तों एलिफेंट को देखने के लिए, और जगह जगह यहाँ पर लगा है जंगल है, वन जीवों का मसीला, इसे बचाने में ना करो तेरा करो। बहुत अच्छी लाइन लगी है दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल को टाइगर टेरिटरी है, यहाँ पर कहीं से भी टाइगर या लेपर्ड दिखाई दे सकता है। तो आप बने रहे हमारे साथ, दिखाते हैं आपको आगे चल के। दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम बहुत सुहाना है, अभी डेढ़ घंटे पहले यहाँ पर पड़ी है बहुत तेज तर्रार बारिश, क्योंकि दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आम डंडा गेट से निकल चुके हैं हम आगे की तरफ। और दोस्तों इधर साइड में काफ़ी टाइगर साइटिंग देखी जा रही है, और कई बार हमला कर चुका है गाड़ी पर, वो भी आपको जगह दिखाएंगे कि टाइगर ने कहाँ पर हमला किया था गाड़ी पर दोस्तों, वो भी हम आपको जगह दिखाएंगे। और जगह जगह आपको साइन बोर्ड दिखाई दे जाएंगे, जहाँ भी दोस्तों ये साइन बोर्ड आपको दिखाई दें तो आप समझ जाओ कि टाइगर को ट्रैक्ट है। और दोस्तों जस्ट हमारे सामने दिखे हैं स्पॉटेड डियर जस्ट रोड किनारे, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जस्ट रोड किनारे सामने स्पॉटेड डियर काफ़ी सारी संख्या में है। वाओ दोस्तों अल्टीमेट व्यू है, आप देख सकते हैं सामने की ओर, ये देखिए दोस्तों आप सामने दोस्तों जब जा चुके हैं जंगल की ओर, स्पॉटेड डियर काफ़ी सारी संख्या में थे दोस्तों। इधर सामने रोड चल रही है आप देख सकते हैं, और सामने जस्ट रोड किनारे स्पॉटेड डियर, यही वाइल्ड लाइफ का एंजॉय होता है दोस्तों। कहीं से भी पल भर में आपको वाइल्ड लाइफ दिखाई दे सकती है, आप वाइल्ड लाइफ का भी एंजॉय लीजिए और साथ साथ में फॉरेस्ट का भी एंजॉय लीजिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। सामने दोस्तों साइन बोर्ड लगे हैं जगह जगह, देखिए आप जस्ट रोड किनारे, ये देखिए आप कितनी तेज हवा चली हुई दोस्तों यहाँ पर, ये पेड़ इतना बड़ा पेड़ भी गिर चुका है रोड किनारे, आप देख सकते हैं सामने व्यू बहुत शानदार है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दोस्तों। आप देख सकते हैं व्यू का आनंद लीजिए। और सामने साइन बोर्ड लगा है एलिफेंट का दोस्तों, बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं रिंगोरा गेट जहां सफारी होती है, वो भी हम तो आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप पेड़ देखिए, पेड़ जगह जगह टूटे हुए हैं, और रिंगोरा विलेज है दोस्तों, यहां पे भी जंगल सफारी होती है। ये देखिए आप सामने बोर्ड लगा है, आप देख सकते हैं सामने की ओर, ये दोस्तों सामने की तरफ यह है रिंगोरा गेट, यहाँ से भी जंगल सफारी होती है, अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि बारिश का मौसम है। और जगह जगह आपको यहाँ पर चाय के स्टॉल, कुल्लर चाय मैगी, आप जगह यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट, तो आप जो दोस्तों ज़रूर विजिट करें यहाँ पर और फिर बताएँ उसका स्वाद कैसा है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, पहुँचने वाले हैं हम जुगली। हमें काकर दिखाई दिया दोस्तों इधर की साइड में, और यहाँ पर चला गया झाड़ियों में अंदर की तरफ, अभी फ़िलहाल वो नहीं दिखाई दे रहा, जस्ट रोड किनारे था काकर। दोस्तों आगे दिखाते हैं हम रपटा, यहाँ पर कंटिन्यू जब बारिश होती है बहुत तेज़ तो यहाँ पर जाम लग जाता है इस रपटे के कारण, आप देख सकते हैं सामने की ओर, देखिए दोस्तों यहाँ ऊपर से पानी आते हुए और नीचे की तरफ जाता हुआ, आप देख सकते हैं सामने कितना गहरा रपटा है, ये देखिए आप यहाँ से पानी आता दोस्तों और दूसरी साइड जाता है पानी, आप देख सकते हैं सामने की ओर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर।
दोस्तों, ये कोट टाइगर टेरिटरी है। यहाँ पर बोर्ड लगा है वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, आप देख सकते हैं सामने। जहाँ भी दोस्तों आपको बोर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि वाइल्ड लाइफ यहाँ से क्रॉस होती है। ये देखिए आप देख सकते हैं सामने की ओर। मौसम बहुत सुहाना है दोस्तों, और सामने लिखा है एक साइन बोर्ड और लगा है दोस्तों वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, आप देख सकते हैं सामने की ओर। यहाँ पर टाइगर हमेशा क्रॉस करता है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों सामने की तरफ चलते हैं दोस्तों, आगे की तरफ। यहाँ रुकना चाहते हैं, सेफ नहीं है क्योंकि टाइगर टेरिटरी है दोस्तों, कहीं से भी हमला कर सकता है। और घास भी हो चुकी है बड़ी बड़ी, यहीं छुप के बैठता है टाइगर या लेपर। दूसरी साइड भी जंगल है, उधर साइड भी जंगल है, और बीच में है रोड, आप देख सकते हैं सामने की तरफ। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं डिगली, आप देख सकते हैं आप सामने। और कुछ लोग सवारी कर रहे हैं यहाँ पर एलिफेंट की, आप देख सकते हैं सामने की तरफ। अब तैयार हो चुका है सवारी के लिए एलिफेंट, और जगह जगह आपको यहाँ पर ऊँट भी दिखाई देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर कुछ एडवेंचर भी आप कर सकते हैं, देखिए देख सकते हैं आप सामने की ओर। और ये क्षेत्र प्रधान डिग्री यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट है, आप सब विजिट करें यहाँ पर। देखिए सामने का दोस्तों, मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर सांड पर हमला किया था टाइगर ने, और बाल बाल बची है सांड की जान। तो जानदार पशु है तो अपनी जान बचा के टाइगर से अभी फिलहाल वो स्वस्थ है। देखिए दोस्तों वो सांड रास्ते में आ रहा है सामने, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों सामने, यही वो सांड है जिस पर हमला किया था टाइगर ने, हमला किया था दोस्तों इसके ऊपर। ये देखिए आप देख सकते हैं सामने की तरफ दोस्तों। यहाँ पर ऐसे ऐसे हमले होते रहते हैं, और यहाँ पर कोई लोग दोस्तों पेशाब करने के चले जाते हैं तो आप ऐसे करते रहते हैं, आपके ऊपर हमला कर सकता है टाइगर या लेपर। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का गिरजा गेट, फिलहाल ये बंद है। आप देख सकते हैं गिरजा वन परिसर कोसी रेंज, आप देख सकते हैं दोस्तों सामने, देख सकते हैं दोस्तों सामने यहाँ पर गेस्ट हाउस बने हैं। इधर आप देख सकते हैं गिरजा गेट जो फिलहाल अभी बंद है। सामने बोर्ड लगा है टाइगर का, आप देख सकते हैं कोट टाइगर टेरिटरी है। और सामने की तरफ दोस्तों यहाँ पर है गिरजा गेट। दोस्तों इस ब्लॉग का मैं यही एंड करता हूँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और दोस्तों इस ब्लॉग का दूसरा पार्ट भी देखना ना भूलें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।